वेल कैसे हो आप सभी दोस्तों। पहला जो अपडेट है वो हिंदुस्तानी भाव से रिलेटेड है। दरअसल हिंदुस्तानी भाव का एक शो आता है अनसुनी तेरी कही मैंने सुनी, जो देखने को मिलता है अतरंगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, और उसी का एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पे हिंदुस्तानी भाव काफी ज्यादा गुस्से हो जाते हैं एक लड़के पर और उसे थप्पड़ भी मार देते हैं। दरअसल क्या होता है कि एक आदमी आता है और वो बताता है कि वो 40 साल से ऑटो चला रहे हैं और पिछले 40 साल के अंदर ही उन्होंने ऑटो चलाकर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनका सब कुछ किया और घर का दाल चावल भी इनके ऑटो चलाने से ही हो रहा है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि उनका एक प्रॉब्लम है, उनका जो एक बेटा है वो एक कंपनी के अंदर मैनेजर है और वो बेटा ये नहीं चाहता कि वो ऑटो चलाए। उस बेटे का कहना है कि जब उसके पापा ऑटो चलाते हैं तो उसके दोस्त ये देखकर उसे काफी इंसल्ट फील होता है और ये भी कहता है कि मुझे छोटा लगता है ऑटो चलाना। इसके बाद क्या था, उनके बेटे को ही बुलाया जाता है जिससे हिंदुस्तानी भाव बात करते हैं और वहीं पर वो हिंदुस्तानी भाव के सामने कहता है कि मुझे शर्म आती है, मुझे छोटा लगता है कि ऑटो चलाते हैं, जिसके बाद वो काफी बदतमीजी से बात करने लग जाता है और हिंदुस्तानी भाव गुस्सा आकर उसके एक जड़ देते हैं और एक थप्पड़ नहीं मारते काफी बार थप्पड़ मारते हैं और लास्ट में ऐसा होता है कि वो जो बेटा था वो अपने पिता से वापिस माफी मांगता है। लेकिन दोस्तों देखने में थोड़ा ऐसे ही लग रहा था जैसे स्क्रिप्टेड हो, ये तो आप ही बताओगे कि कैसा था, फेक था या ओरिजिनल, कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों अगला जो अपडेट है वो सौरभ जोशी से रिलेटेड है। दरअसल क्या होता है कि जब भी कोई सक्सेस होता है परिवार के आस पड़ोस के लोग हर किसी को जलन होने लग जाती है और उसी चीज के ऊपर सौरभ जोशी ने अपने व्लॉग के अंदर कुछ कहा है वो देख लीजिए। हमारे गांव के लोग ऐसा कहते हैं ना, तुम्हारा नाती इतना बड़ा है तुम्हारे पास एक फोन नहीं है, आप अच्छा ऐसे कहते हैं? हाँ, टच वाला फोन चाहिए आपके लिए, आपके नाती का वीडियो देखोगे, ये देखोगे, वो देखोगे। अरे गांव वाले कहते हैं? गांव वाले कहते हैं, हमारे पड़ोसी कहते हैं, गांव वाले कहते हैं, पड़ोसी का दादा कहते हैं ना। अब कहने वाले तो क्या क्या कहते रहेंगे यार। वैसे अम्मा को चलाना भी नहीं आता है टच फोन। कोई बात नहीं, अब ले रहे हैं अम्मा के लिए तो अब अम्मा सीख जाएगी। कोई बात नहीं अम्मा, जो लोग जो बोलते हैं बोलने दो, अब देखना मैं आपको कैसे कैसे एक्सपीरियंस कराऊंगा। मैं आपको ऐसी जगह पे ले जाऊंगा आपको, आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों शुरुआत का जो अपडेट है वो एनिमल ट्रेलर से रिलेटेड है। दरअसल क्या हुआ, कांग्रेस एमपी रंजीत रंजन ने एनिमल मूवी को लेकर कुछ कहा है वो आप देख लीजिए एक बार। आजकल कुछ इस तरह की पिक्चरें आ रही हैं, अगर आप कबीर से शुरू करें, पुष्पा से शुरू करें और अभी एक एनिमल पिक्चर चल रही है। मैं आपको कह नहीं पाऊंगी कि मेरे बेटी के साथ भी बहुत सारी बच्चियां थी जो कॉलेज में पढ़ती हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ती हैं, आधी पिक्चर में उठ के रो के चली गई कि इतनी आखिर हिंसा और इतना वायलेंस और महिलाओं के साथ डिसरिस्पेक्ट को जस्टिफाई करना पिक्चरों के द्वारा। मुझे लगता है कबीर में जिस तरह वो अपनी वाइफ को ट्रीट करता है और इस मूवी में जिस तरह से वाइफ को ट्रीट करता है और लोग और समाज और पिक्चर भी उसको जस्टिफाई करते दिखा रही है, ये बहुत ही शोचनीय विषय है। दूसरा, युवाओं पे सभापति जी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि इन पिक्चरों का, इन वायलेंस का और गलत नेगेटिव रोल को हीरो की तरह पेश करने में हमारे आज के खासकर 11वीं और 12वीं के बच्चे इनको रोल मॉडल मानने लगे हैं। वेल आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल इसके अंदर क्या है कि एक औरत है जो भगवान श्री कृष्ण की फोटो को ले रही है और वो दूसरे पर्सन को दे रही है, लेकिन जो पर्सन है उसने क्या है ड्रिंक कर रखी है, जिसकी वजह से विद रिस्पेक्ट वो ये कहता है कि मैं इसे नहीं ले सकता क्योंकि मैंने ड्रिंक कर रखा है, नहीं तो मैं ले लेता। वेल आप देखिए ये वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो यू ड्रिंकिंग स्मोक? या आई एम ड्रंक, आई एम ड्रंक। नो नो नो, आई एम रिस्पेक्ट, आई एम श्योर दिस इज माय गॉड, आई एम सनातनी। सो व्हाई व्हाई यू कंटिन्यू ड्रिंकिंग स्मोक? यस, आई एम नॉट टेक दिस, आई एम नॉट टेक दिस। व्हाई नॉट? ट्राई टू इंस्टेड। व्हाई नॉट? बिकॉज़ दिस इज अ गॉड। सो व्हाई यू ड्रिंकिंग? सो आई एम ड्रंक, सो आई एम ड्रंक, सो आई कांट, आई कांट अफोर्ड। कृष्णा नो अलाउ। बट व्हाई यू स्टे हियर? But why you stay here? I am drunk already. I am telling you already. I am told you I am not take this Krishna because I am respect. I am respect. You take Krishna and stop drinking. Try to understand. No, I can't stay there right now. Why not? I am respect. Krishna purify you. Yeah, I know, I know, I know. No more drinking and no more smoking. Yeah, I know, I understand. Okay. But please try to understand. You please try to understand. Krishna, I am pure Sanatani. So please take. No, no take. This time is God. Yes. Try to understand. Krishna, no, no. Thank you so much. Thank you so much. Drinking. Thank you so much. Thank you so much. No, 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 dear, no. Thank you so much. No, no, Vidya. दोस्तों अगला जो वीडियो वो बाहर का है, लेकिन जब मैंने इस वीडियो को देखा ना, सच्ची में यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। मतलब एक रेस्टोरेंट है जिसके अंदर एक पंजाबी आदमी काम करता है और उसके पास एक बाहर का आदमी आता है अपना खाना लेके और वो उस पर शिकायत करने लगता है, और जो उन दोनों के बीच कॉन्ट्रोवर्सी होती है ना वो काफी फनी होती है यार। एक बार आप भी देखिए। Wait a second. We gave enough chicken here. What do you think? You want a whole fucking chicken, live chicken sitting here and ask you, eat me like that? I want. Not to happen. I want butter chicken, not only one piece of chicken. Here's butter. Here's chicken. Enough?
enough. And one more thing. Our chicken are very smart. If you ate it and lied to me now, it could start talking from your stomach. Coo-coo-doo-coo! Like that. Don't lie to me, okay? You want me to just eat the butter? Oh, no. Here's the butter. Here's the chicken. Here you go. Out now. वैलिए देख के किस किस को मजा आया कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों अगला जो वीडियो है उसके अंदर क्या है कि लोग क्या कर रहे हैं कि भगवानों की तस्वीर कैलेंडर जिन पर भगवान गणेश भगवान लक्ष्मी की तस्वीरें हैं उन सभी को लाके जला रहे हैं। वैलिए आप एक बार ये वीडियो देखिए। दोस्तों अगला जो वीडियो है वो सऊदी के एक कार ड्राइवर का है जिसके अंदर क्या होता है कि इंडिया से लोग चले तो जाते हैं कि सऊदी चलते हैं दुबई चलते हैं मोटा पैसा कमाएंगे वहां तो कार ड्राइविंग के भी बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं मोटी कमाई हो जाएगी हमारी। यहां से लोग चले तो जाते हैं लेकिन वो इस चीज को भूल जाते हैं कि वहां पे बात करने के लिए या तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए या फिर सऊदी की लैंग्वेज आनी चाहिए जिससे कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सको। लेकिन इसके अंदर क्या था इस भाई को दोनों में से कोई सी भाषा ही नहीं आती थी। इसके बाद इसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है। आप देखिए एक बार ये वीडियो। हेलो यू वांट टू गो? I go. You want to go country? I go country. Why? No, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। You don't know how to drive? नहीं, drive. I drive. Why you don't drive here? My license, no license. My agent, Bombay on drive. I certificate. This country, no. कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ओके व्हाई यू डोंट नाउ यू ड्राइव यू कैनॉट स्टॉप यू कैनॉट मेक इन यू कैनॉट मेक ड्राइव व्हाई? ना स्टीयरिंग समझ में आ रही ना गियर ना रेस कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। टॉक इंग्लिश। ना स्टीयरिंग लेफ्ट स्टीयरिंग माय इंडिया राइट स्टीयरिंग माय पैर इज क्लच ब्रेक रेस only gear only this car automatic तो I कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। It's a problem for you. It's problem मैं पागल हो जाऊंगा। You don't want to drive? No. You don't want to take me home? Home. No? No, India. You want to go India? Yeah. अब पछताया क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अगला जो वीडियो है वो नैनीताल के रामनगर का है जहाँ पर क्या होता है कि एक लड़का गजरिया माता मंदिर के रास्ते में पैदल चल रहा था और अचानक क्या होता है उसके ही सामने से बाघ निकल के चला जाता है। वेल आप देखिए ये वीडियो। दोस्तों अगला जो वीडियो है वो चोरी से रिलेटेड है। दरअसल क्या हुआ एक चोर सदर हॉस्पिटल में आए गए मरीजों के फोन चुरा लेता था और उसने आज भी दो फोन चुरा लिए थे जिसके बाद उसे पकड़ लिया और उसको पीट दिया जिसकी वीडियो अभी सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है। पहले आप देख लीजिए। देखिए मोबाइल चोर का मार जो हो रहा है ना सदर हॉस्पिटल से मरीजों का फोन चुरा रहा है। सदर हॉस्पिटल से फोन चुरा रहा है चुराता था दो फोन आज सुबह में चुराया है। ले गया इसको PCR में ले जा रहे हैं। इसका मोबाइल है वो कहाँ है? चला गया। दोस्तों अगली जो वीडियो है उसके अंदर क्या है कि